नई गाड़ी आपको मिलेगी मार्केट में 84-85 लाख की, लेकिन यही गाड़ी हम आपको ऑफर करेंगे 2, 3, 4, 5 बल्कि 10 लाख से भी ज्यादा सस्ती प्राइस टैग में। तो आज 22 मॉडल का होंडा सिटी हमारे पास अवेलेबल, आपको पूरी गाड़ी चेक करवाते हैं और इसका एक वॉक थ्रू देते हैं और आप आगे गाड़ी बाय कर सकते हैं विजदान मोटर हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद। 22 मॉडल की होंडा सिटी अवेलेबल है विजदान मोटर हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद में। टोटल जेन्युइन पेंट में गाड़ी है और लेकिन एक दो स्क्रैचेस गाड़ी पे जरूर हैं जिसकी वजह से इसको प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा इसके गाड़ी के कम नज़र आएंगे, लेकिन आपको गाड़ी चेक करवाते हैं देन आपको पूरी इस गाड़ी की डिटेल शेयर करता हूँ। गाड़ी का फ्रंट आप देख सकते हैं, बोनट, फ्रंट फेंडर, ईच एंड एवरीथिंग आपको गाड़ी की स्क्रैचेस मिलती है और 33,000 किलोमीटर वाली गाड़ी यहाँ पर ड्रिवन हो चुकी है अपने स्टॉक टायर्स के अंदर है और पूरी साइड प्रोफाइल गाड़ी की अपने यहाँ पे ओरिजिनल कलर में है। इस डोर के नीचे आप लोग को यहाँ पे एक स्क्रैच नज़र आएगा जो कि आप यहाँ पे ये वाला स्क्रैच ऊपर देख रहे हैं, लेकिन ये निकल सकता है डॉय डेंटिंग के साथ। और इसी तरह अगर गाड़ी की बैक के ऊपर मूव करते हैं तो बैक फेंडर के ऊपर भी आपको एक हल्की सी लाइन नज़र आएगी जो कि यहाँ पर ये लाइन आपको नज़र आ रही है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि गाड़ी आपको मिलेगी ये वाली टोटल जेन्युइन पेंट में। बैक के ऊपर आपको स्पॉइलर नज़र आ जाएगा गाड़ी पर जो कि ट्रंक के ऊपर है, और उसके बाद बैजिंग वगैरह, लाइट्स, ईच एंड एवरीथिंग गाड़ी की यहाँ पे आपको स्क्रैचेस नज़र आती है। इवन की गाड़ी के बम्पर भी अभी आपको यहाँ पे जेन्युइन पेंट के अंदर ही मिलते हैं। ड्राइविंग प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये भी आपको कंप्लीट जेन्युइन पेंट में नजर आती है और बैक डोर के ऊपर एक स्क्रैच आपको नजर आएगा जो कि यहाँ पर आप एक छोटा सा ये डेंट चेक कर रहे होंगे। इसके अलावा पूरी की पूरी साइड आपको ये वाली यहाँ पे डेंटलेस और स्क्रैचलेस नजर आती है। गाड़ी अनलॉक करते हैं और आपको गाड़ी का इंटीरियर चेक करवाते हैं। इमोबलाइजर की है इसके अंदर, गाड़ी हम लोग अनलॉक करता हूँ अभी। आपको पहले गाड़ी की बैक सीट्स की कंडीशन दिखाता हूँ। देखें डोर अभी भी गाड़ी की उस तरह ही हार्ड ओपन होते हैं जैसे ओरिजिनल और 0 मीटर गाड़ी के हैं। ये गाड़ी की बैक की कंडीशन है, लेदर सीटिंग, आइसोफिक्स, ब्रांड न्यू स्मेल लाइक जो आती है बिल्कुल उसी तरह ही है बैक से। रियर एसी वेंट भी नज़र आ जाएंगे। इसी तरह गाड़ी के फ्रंट डोर के ऊपर बात करते हैं तो ये डोर भी आपको हार्ड ओपनिंग के अंदर ही है जो अपनी फ्रेशनेस फील करता है। आफ्टर मार्केट के कार्बन फाइबर की एक्सेसरी गाड़ी में कुछ कुछ इंस्टॉल्ड की है और ये गाड़ी का मेन इंटीरियर। गाड़ी के स्टेयरिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश स्टेयरिंग के अंदर है और उसके बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सनरूफ फुल हाउस ऑप्शनल, और उसके बाद फ्रंट लेदर की भी कंडीशन आपके सामने है। आपको गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और देन आपको डिटेल इसकी शेयर करते हैं। इस टाइम मैं गाड़ी में मौजूद हूँ और इसका कम्प्लीटली डिजिटल मीटर है जो कि आप वेलकमिंग यहाँ पे देख रहे हैं। ये जी गाड़ी स्टार्ट की है और आपको इसकी माइलेज चेक करवाता रहा हूँ। तो 33,800 समथिंग गाड़ी ये वाली यहाँ पर डिवन हो चुकी हुई है और उसके बाद ये गाड़ी का इंटीरियर है। ओरिजिनल स्टॉक इंफोटेनमेंट सिस्टम है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इको, ब्रेक होल्ड और सारे के सारे लग्जरीज ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर जो स्टॉक वो इंस्टॉल किए गए हैं। अब मेन चीज़ जो कि आपको पहले बता दी थी गाड़ी की कीमत और अब बात करते हैं कि कितनी का निगोशिएबल ये वाली हो सकती है। तो यहाँ से आप गाड़ी की लुक चेक कर सकते हैं, स्क्रैच लेस हो, बिल्कुल शोरूम कंडीशन जैसी गाड़ी की लुक है। जो डेंट हैं वो आप इनको रिमूव करवा सकते हैं और इजीली आप अपनी गाड़ी को दोबारा ब्रांड न्यू लुक पे लेके आ सकते हैं। रियल रिव्यू इस खूबसूरत सी गाड़ी का जो कि हमेशा ऑल टाइम फेवरेट रही है ऑल द ईयर्स के अंदर। और गाड़ी अवेली अवेलेबल है विजदान मोटर हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद में। गाड़ी की डिमांड के बारे में बात करें तो 72 लाख गाड़ी की आस्किंग प्राइस है जो कि निगोशिएबल है। बॉडी के बारे में बात करता रहा हूँ तो जो डेंट आपने देखे हैं उसके अलावा बॉडी आपके यहाँ पे टोटल जेन्युइन पेंट में नजर आती है और 33,000 किलोमीटर गाड़ी की माइलेज है जो कि 100% जेन्युइन मीटर के साथ है। फर्स्ट ओनर, दोनों रिमोट, ईच एंड एवरीथिंग ऑन द स्पॉट अवेलेबल। या मजीद को गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर सकते हैं।